हेलो दोस्तों, आपको एस वी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा, आज फिर से मैं जनरल साइंस का पार्ट फोर वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि मात्रक से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, जितने भी मात्रक से संबंधित जितने प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूरे प्रश्न को मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ, पर एक सूचना और देना चाहते हैं कि मैंने पिछले वीडियो जितने अपलोड किए हैं, हर एक वीडियो को जो है लिंक जो है हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट जाकर डिस्क्रिप्शन में आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। कौन? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? तो मूल मात्रकों की सहायता से जो व्यक्त किए जाते हैं मात्रक, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। क्या? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? तो किसी राशि के मापन के निर्देश उसका मात्रक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। भौतिक विज्ञान में सीजीएस पत्ती का पूरा नाम क्या है? तो भौतिक विज्ञान में सीजीएस पत्ती का जो पूरा नाम है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगला प्रश्न है, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष की प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बल का ऐसा ही मात्रक को क्या कहते हैं? तो बल का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो वह है डाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। क्या है? पारसेक। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई पद्धति का मात्रक है जूल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का सीजीएस पत्ति में मात्रक क्या? तो कार्य का सीजीएस पत्ति में मात्रक है अर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो एक माइक्रोन जो होते हैं 10^-6 के बराबर होते हैं। कितना होता है? 10^-6 मीटर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के तुल होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 × 10^15 मीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है, वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। अगला प्रश्न है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल होता है? तो एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो एक न्यूटन होता है 10^5 डाइन। क्या होता है? 10^5 डाइन, एक न्यूटन बराबर। अगला प्रश्न है, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो एक जूल होता है 10^7 अर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? 10^7 अर्ग। अगला प्रश्न दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10^-10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, बहुत सब अच्छा अच्छा एग्जाम है, जितने प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो का स्किप मत करें, वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न है, ऐसा पत्ती में समय का मूल मात्रक और सेकेंड क्या है? तो ऐसा पत्ती में समय का मूल मात्रक और संकेत जो है, मूल मात्रक जो होता है सेकेंड होता है और उसका संकेत एस से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा पत्ती में समतल कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो ऐसा पत्ती में समतल कोण का मूल मात्रक रेडियन होता है और इसका संकेत जो होता है रीड होता है, RAD शॉर्ट में लिखते हैं रेडियन को। अगला प्रश्न है,
एसआर पत्ती में विद्युत धारा का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो एसआर पत्ती में विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, और इसका संकेत जो होता है ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में लंबाई का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो एसआर पत्ती में जो है लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत एम कैप स्मॉल एम होता है। अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो एसआर पत्ती में मूल मात्रकों की संख्या जो है वो 7 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो एसआर पत्ती में पदार्थ का परिणाम का मूल मात्रक जो होता है मोल होता है, और संकेत जो होता है एम ओ एल लिखते हैं। अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में द्रव्यमान का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, इसको संकेत में केजी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो एसआर पत्ती में ताप का जो है मूल मात्रक होता है केल्विन, और संकेत क्या होता है के होता है। अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में ताप का पुराना मात्रक क्या है? एसआर पत्ती में ताप का पुराना मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में ताप का नया मात्रक क्या है? तो एसआर पत्ती में जो है ताप का नया मात्रक होता डिग्री सेल्सियस। देखिए पहला में क्या था, पहला में आपको बताए थे कि पुराना मात्रक, एसआर पत्ती में ताप का पुराना मात्रक क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, लेकिन अभी जो नया इसका मात्रक जो लाया गया है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है। क्या है? डिग्री सेल्सियस है। आप कन्फ्यूज मत होइएगा नया पुराना में। अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो एसआर पत्ती में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है कैंडेला, और इसका संकेत होता है सीडी। नेक्स्ट प्रश्न है, एसआर पत्ती में ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या है? तो इसका पुराना मात्रक जो होता है ज्योति तीव्रता का, यह है कैंडल शक्ति, जिसको सीपी लिखा जाता था पहले, लेकिन अब क्या था? सीडी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, एसआर पत्ती में धन कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो एसआई पत्ती में धन कोण का मूल मात्रक होता है अष्टेरेडियन, और संकेत इसका एसआर से लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एसआर पत्ती में आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या है? तो एसआर पत्ती में आवृत्ति का पुराना मात्रक होता है कंपन प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कंपन प्रति सेकेंड। अगला है, एसआर पत्ती में आवृत्ति का मात्रक जो होता है नया मात्रक है हर्ट्ज़ है। क्या है? एसआर पत्ती में आवृत्ति का नया मात्रक हर्ट्ज़ है। अब पुराना मात्रक क्या था? पुराना मात्रक कंपन प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न दोस्तों, एसआर पत्ती में एसआई का पुराना नाम क्या है? तो एसआई का पुराना नाम क्या था? वो है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। एसआर पत्ती का संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? तो एसआर पत्ती में संपूरक मूल मात्रक जो होते हैं दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? समतल कोण होते हैं और घन कोण होते हैं। कौन होते हैं? समतल कोण और घन कोण होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 10^18 का विशेष नाम और प्रतीक क्या है? तो 10^18 जो होती है उसका विशेष नाम एक्सा बोलते हैं, और इसका प्रतीक कैपिटल ई है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें जो होती है होते हिरण की होती है। दोस्तों बहुत अच्छा सा प्रश्न इसमें है, भार का ऐसा मात्रक क्या है? तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संवेग का इकाई क्या है? तो संवेग का इकाई है किग्रा मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वह है कूलाम। अगला प्रश्न है,
प्रतिरोध का एसआई मात्रक इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम है। क्या है? ओम। अगला प्रश्न दोस्तों, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापन माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड जो है वह आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न है, गैलन समानता किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन जो है, गैलन हम समानता इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। किसके? आयतन के माप के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है? दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर के एसआई इकाई जो है वोल्ट है। अगला प्रश्न है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वाट। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई है तो किसका है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नीतांक। किसका? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नीतांक का ऐसा इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों, तरंग वेग का ऐसा मात्रक है? तो तरंग वेग का ऐसा मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट के बराबर होता है। एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? एक डायोप्टर होता है वन पर मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर होता है। एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर जो होता है वो 10^6 माइक्रोन के बराबर होता है। एक मीटर होता है 10^6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होती है? एक किलोवाट जो होती है 1000 वाट के शक्ति के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक पिकोमीटर के बराबर है? एक होता है 10^-12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई को क्या कहते हैं? तो नौ संचालक प्रयुक्त दूरी की इकाई को नॉटिकल मील बोलते हैं। एग्जाम में आता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है, उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है जिसको 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो पवन के वेग का मापन जो है एनीमोमीटर से किया जाता है। किसको? एनीमोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। क्या? वायुमंडल की आर्द्रता। दोस्तों जितने प्रश्न है सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप वीडियो का स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो कहलाती है डॉप्सन। डॉप्सन जो होती है वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। किसके लिए? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। कितने? 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। दोस्तों ये एग्जाम में आता है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है लक्स मीटर का। लक्स मीटर से जो है प्रकाश की तीव्रता को माप सकते हैं आप। दोस्तों टोटल 60 प्रश्न है इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।